हेलो गाइस, आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फिजियोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, इससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में। और मैंने आज जो क्वेश्चंस लिए हैं ये एकदम इजी क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं इसे, ये एवरेज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। तो ड्यूरिंग द लेक्चर आपको लगे कि आपको कुछ याद नहीं है, हमें याद नहीं हुआ पढ़ने के बाद भी, तो प्लीज मतलब रिग्रेट टाइप फील मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के पहले का ये आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मुझे भी पता है इस टाइम पे आपको कम से कम समय में पूरा रिवाइज करना होता है। मेरा वीडियो का लेक्चर का मकसद ये रहेगा कि आपको कम से कम टाइम में CVS का पूरा वाइवा क्वेश्चंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसमें कि आप अटक सकते हो, आप उस पर नहीं जवाब दे सकते हो, वो क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज लॉ ऑफ हार्ट मसल्स। बेसिकली इट स्टेट्स दैट द साइज ऑफ मसल फाइबर, द साइज ऑफ मसल फाइबर्स, ग्लाइकोजन कंटेंट एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑल दीज आर इंक्रीजेस। ये सभी जैसे साइज ऑफ मसल फाइबर्स, ग्लाइकोजन कंटेंट एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऑल आर दीज इंक्रीजेस फ्रॉम नोडल फाइबर टू परकिंजे फाइबर। गाइस, कहने का मतलब है आप अगर आप नोडल फाइबर्स देखेंगे तो उनमें जो ग्लाइकोजन कंटेंट है वो इतना नहीं होगा जितना परकिंजे फाइबर में होगा। कहने का मतलब जब आप नोडल फाइबर की से परकिंजे फाइबर की तरफ मूव करते हो तो आपको जितने ये कंटेंट्स है, साइज ऑफ मसल फाइबर, ग्लाइकोजन कंटेंट और रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ये सभी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और अगर दूसरी ओर बात करी जाए तो जैसे कि लेंथ ऑफ सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड, एंड रिदमिसिटी ऑल दीज आर डिक्रीजेस। गाइज, ऑल दीज आर डिक्रीजेस, ऑल दीज आर डिक्रीजेस फ्रॉम परकिंजे फाइबर टू नोडल फाइबर। ओके, यह हम कह सकते हैं ये सभी रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, यानी कि परकिंजे फाइबर से नोडल फाइबर की तरफ इंक्रीज होगी। तो अभी मैंने नोडल से परकिंजे फाइबर की डायरेक्शन में बता रहा हूं, डिक्रीजेस वही फ्रॉम नोडल फाइबर टू परकिंजे फाइबर। उसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो होंगी लेंथ ऑफ सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिदमिसिटी, ये जो होगी वो इंक्रीज हो सकती है परकिंजे टू नोडल, पर डिक्रीज क्या होगी नोडल टू परकिंजे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल इनेबल्स इट्स कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इनके पास गाइस सबसे पहले हम देखेंगे इनके पास जैसे कि पेसमेकर सेल्स होते हैं। क्या करते हैं पेसमेकर सेल्स मेंटेन करते हैं या इनिशिएट्स करते हैं ऑटो रिदमिसिटी। पेसमेकर सेल्स होते हैं, इनके पास और क्या होता है, देखिए इनके पास और होगा आपके स्पेशल कंडक्टिव टिश्यूज। सो इनके पास कंडक्टिव टिश्यूज भी होंगे और इनके पास होते हैं
देखिए इनके बीच में, इनकी जो मसल फाइबर्स होते हैं ना उनके बीच में कुछ फ्री ब्रांचिंग्स होती है, और हमने देखा जेब जंक्शन फ्री ब्रांचिंग, तो ये इनके पास एक इनकी कंडीशन होती है, इनके मसल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक होती है सिन सीटीएम कंडीशन। कंडक्टिव टिश्यू और सिंसिटिज्म कंडीशन ये इंश्योर करते हैं कि जो आपके पेसमेकर सेल्स जो इनिशिएट कर रहे हैं इंपल्स, उसको हार्ट के सभी पार्ट्स तक पहुंचा सके। सो दीज टू इंश्योर्स द क्विक पैसेज ऑफ इंपल्स फ्रॉम पेसमेकर सेल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द हार्ट टू इनिशिएट कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। अब कह सकते हैं कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इन तीनों की वजह से होता है, ये ऑटो रिदमिसिटी मेंटेन कर रहे हैं और ये दोनों कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन को इंश्योर कर रहे हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कार्डियक पेसमेकर? कार्डियक पेसमेकर्स क्या होते हैं? व्हाट इज कार्डियक पेसमेकर? देखिए कार्डियक पेसमेकर्स जो होता है उसको हम एसए नोड होता है। एसए नोड क्यों कार्डियक पेसमेकर होता है? क्योंकि एसए नोड के पास होता है, ये बना होता है पी सेल्स से, इट इज मेड अप ऑफ पी सेल्स। एसए नोड इज मेड अप ऑफ पी सेल्स। पी सेल्स क्या होते हैं? इट जनरेट्स द इंपल्स मोर रैपिडली देन एनी ऑफ द पेसमेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड देयर बाय दे डिटरमाइंस द रेट एट विच द हार्ट बीट्स। सो पी सेल्स जनरेट इंपल्स मोर रैपिडली देन एनी ऑफ द पेसमेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट। सो ये इंपल्स ज्यादा जनरेट करेंगे और फिर यही इनकी इंपल्स से यही डिटरमाइन करेंगे कि हार्ट बीट्स किस रेट से मेंटेन रहेगी। सो इसलिए कार्डियक मेकर्स जो होते हैं, कार्डियक पेसमेकर्स होते हैं, वो ऐसे नोड्स होते हैं। नेम द स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज एंड देयर कंडक्शन रेट। गाइज देयर आर फोर स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज। पहला है आपका ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। ये स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि उनका कंडक्शन रेट क्या है, यानी कि वो कितनी इंपल्स जनरेट करने की उनकी कैपेसिटी है। तो हम एक कॉलम में लिखेंगे स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज एंड दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे इंपल्स जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है उनकी, इंपल्स जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, जो कि हमसे पूछा गया है कि उनका कंडक्शन रेट क्या है। सो गाइस स्पेशल कंडक्टिंग जंक्शनल टिश्यूज में आपको फोर मैंने आपको जस्ट अभी बताए। सबसे पहला होगा हमारा एसए नोड, जो कि कार्डियक पेसमेकर भी कहलाते हैं। एसए नोड जो इंपल्स जनरेट करते हैं, जो उनका कंडक्शन रेट होता है, वो होता है 75 प्लस माइनस 5 टाइम्स पर मिनट, यानी कि उनका 80 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है, 70 टाइम्स पर मिनट भी होता है, यानी कि 70 टू 80 के आप एवरेज बता सकते हैं कि 70 टू 80 का एवरेज टाइम्स पर मिनट ये इंपल्स जनरेट करते हैं। देन एवी नोड 60 टाइम्स पर मिनट, बंडल ऑफ इस 40 टाइम्स पर मिनट एंड लास्ट परकिंजे सेल्स या परकिंजे फाइबर्स 20 टाइम्स पर मिनट। इजी टू रिमेंबर, 80, 60, 40, 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय पेसमेकर पोटेंशियल और डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन? गाइस समझिएगा इस क्वेश्चन को कि पेसमेकर पोटेंशियल और डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन क्या होता है।
गाइस जो पेसमेकर टिश्यूज होते हैं ना, पेसमेकर टिश्यूज जैसे कि हमने अभी देखा ऐसे नोड्स होते हैं, तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या होता है? इनका अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। पेसमेकर टिश्यूज के पास अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है कुछ समय के लिए। तो कैसे होता है देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहेंगे कि पर्किंजियो टिश्यू है, पर्किंजियो टिश्यू के पास कुछ सोडियम चैनल्स होंगे जो कि सोडियम लीक चैनल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कि सोडियम जो है थोड़ा थोड़ा लीकेज होते होते आउटसाइड टू इनसाइड होगा। मतलब अगर सोडियम चैनल्स, अगर कुछ लीक लीक वाले सोडियम चैनल ओपन से, तो जो आउटसाइड से सोडियम मूव करेंगे इनसाइड। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, हैज सोडियम लीक चैनल्स, इनके पास कुछ सोडियम लीक चैनल्स होंगे। सोडियम लीक चैनल्स थोड़ा थोड़ा सोडियम जो है लीकेज करते करते आउटसाइड से इनसाइड लाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक यहां पर स्लो डीपोलराइजेशन होगा। इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, यहां पे स्लो डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी। इस स्लो डीपोलराइजेशन स्टेट की वजह से हम यहां पर अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, पेसमेकर टिश्यूज जो है इनमें कुछ सोडियम लीक चैनल्स होंगे, जिसकी वजह से सोडियम आउटसाइड से इनसाइड आएगा, जिसकी वजह से उस एरिया में स्लो डिपोलराइजेशन आएगा और एंड ऑफ द डे एक अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हमें फायदा क्या हो रहा है, जब हम हमें कोई इम्पल्स मिलती है उसकी एक्सॉन से, वही एसिटाइल कोलिन या जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ट्रांसमिट होते हैं, हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं। बट जब हम इधर कार्डियक मसल्स में देख रहे हैं, जब हमने कोई इम्पल्स दी तो आगे वर्क होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल हाथों तो जनरेट हो जाना चाहिए। बट क्या होता है, देखिए एक एक्शन पोटेंशियल आपने इम्पल्स दी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, आपने वापस एक इम्पल्स दी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। इन दोनों एक्शन पोटेंशियल के बीच का जो फेज होता है, उस फेज में अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वहां पे, जो कि पेसमेकर पोटेंशियल को इंश्योर करता है। पेसमेकर पोटेंशियल इसी को बोलेंगे कि वहां पे अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्शन पोटेंशियल वहां जनरेट हो सकता है। सो बिटवीन द टू एक्शन पोटेंशियल देयर इज अ फेज, उस फेज को डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन या पेसमेकर पोटेंशियल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एक्टोपिक पेसमेकर? गाइस पेसमेकर अदर देन द एसए नोड, जैसे कि एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस हो गए, एंड पर्किंजे फाइबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर एक्टोपिक पेसमेकर। यानी कि जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता, जैसे कि मैंने आपको बताया था 75 या 80, तो क्या होता है, उतनी इम्पल्स जब वो जनरेट नहीं कर पाता है, तो कोई और इम्पल्स जनरेट करके पूरे कार्डियक मसल्स को या कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। सो दूसरा पेसमेकर हमको मिल गया ऐसे नोड के अलावा, उस पेसमेकर को एक्टोपिक पेसमेकर बोलते हैं। व्हेन द पेसमेकर इज अदर देन द ऐसे नोड इट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक पेसमेकर, जैसे कि आपका एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल्स? गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल्स? देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करें तो जो कार्डियक मसल में रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है सबसे लंबा होता है। तो कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी है कि इट हैज वेरी लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, वेरी लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। अभी कितना होगा, ये होता है 0.53 सेकेंड्स, ये इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। अब गाइज आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड सेकेंड होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसकी डिफाइन इन ऑल थिंग्स मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में, अभी मैं यहां दोनों आपको बता देता हूं। देखिए ये टोटल है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा दो में, एक एब्सोल्यूट होगा एक होगा रिफ्रैक्टिव में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। सो एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये टोटल है 0.53 में से एब्सोल्यूट होगा 0.27 सेकेंड्स का एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा जब हम 53 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 26 सेकेंड्स। सो दिस टू व्हेन कंबाइन इट फॉर्म्स कंप्लीट रिफ्रैक्टिव पीरियड 0.53 सेकेंड्स का। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल्स। चलिए मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में तो ये बता दिया सबसे लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा कार्डियक मसल्स में, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है गाइस? लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से जो आपकी कार्डियक मसल्स होगी ना उसमें कभी फटिगनेस नहीं आती है, टिटनेस की कंडीशन नहीं आती है, और कभी भी जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ना उनका कंप्लीट समेशन नहीं होता, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स हमेशा कॉन्ट्रेक्शन करते रहती है। ठीक है, सो हम लिखेंगे थ्री पॉइंट्स। सबसे पहले लिखिए कि फटिगनेस नहीं आएगी, फटिगनेस नहीं आएगी, टिटनेस कंडीशन नहीं आएगी, और कह सकते हैं कि कंप्लीट समेशन समेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, कंप्लीट समेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। सो दीस ऑल डू नॉट अकर इन कार्डियक मसल। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एवी डिले एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। गाइस बेसिकली क्या होता है समझिए, एवी नोड एसए नोड एंड आपके पास है बंडल ऑफिस, इंपल्स एसए नोड से जनरेट होके जब एवी नोड के पास आ गई, अब यहां एवी नोड से इंपल्स को पास होना है एंड इंपल्स जाएगी बंडल ऑफ हिस तक, बंडल ऑफ हिस पे इंपल्स जाएगी जिसकी वजह से यहां पर होता है वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसकी वजह से आगे जाके वेंट्रिकुलर इजेक्शन रिजल्ट इनटू वेंट्रिकुलर इजेक्शन, जिस टाइप ब्लड होगा वेंट्रिकुलर से इजेक्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एसए नोड से इंपल्स यहां तक तो आ रही है बट यहां पर 0.1 सेकेंड का डिले है, 0.1 सेकेंड का डिले हो रहा है इंपल्स यहां से यहां जाने में। तो क्या होगा, एसए नोड ने इंपल्स दी एवी नोड तक तो यहां पूरे आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, सो यहां आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्ट कर चुके हैं, आर्टेरियल्स ने ब्लड पंप कर दिया है वेंट्रिकुलर्स की तरफ, बट यहां डिले के कारण क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन यहां होना है वो बाद में होगा 0.1 सेकेंड, मतलब आर्टेरिया टू इट अलाउज द आर्टेरिया टू कॉन्ट्रेक्ट जस्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, देयर बाय आर्टेरिया इज एम्प्टाइड बिफोर द वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ये पहले ही खाली हो जाएंगे आर्टेरियाज। सो हमको थ्री पॉइंट्स मिल गए, पहला देयर इज 0.1 सेकेंड डिले एट एवी नोड जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टेरिया टू कॉन्ट्रैक्ट जस्ट अहेड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि आर्टेरिया इज एम्प्टाइड बिफोर वेंट्रिकुलर इजेक्शन। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ।
बहुत ही कॉमनेस्ट क्वेश्चन है गाइस, विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली, लार्जर द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, या कह लीजिए एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. जितने इनिशियल लेंथ मसल फाइबर की जितनी लार्ज होगी उतना ही ज्यादा ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट मसल्स का, हार्ट का उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा. ये फ्रैंक स्टेलिंग लॉ है. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जब डायस्टोल एंड होने वाला है उस समय जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ना सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड कंडीशंस में होते हैं, इसलिए कहा जाता है एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ या इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर. चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन्यूमरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स. 3 स्टार सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन. प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी कार्डियक मसल की आपसे. चलिए सबसे इजी एक्साइटेबिलिटी, ठीक है. रिदमिसिटी, और रिदम के साथ पूरे कॉन्ट्रेक्शन होते हैं. रिदमिसिटी, यहां मैंने कॉन्ट्रेक्शन नाम लिया तो मतलब कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी. फिर कंडक्टिविटी, इंपल्स कंडक्ट होती है ना वहां पे, सो कंडक्टिविटी. अगर मैं कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी की बात करूं तो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी में भी आपको चार चीजें देखने को मिलती है. कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी में आपको चार चीजें देखने को मिल सकती है. ठीक है गाइस, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज ये क्या इंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी. देखिए ऑल एंड नन लॉ, ऑल और नन लॉ. आपने पढ़ा होगा जब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी. अगर उससे कम मिला स्टिमुलस तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. इसको ऑल एंड नन लॉ होता है जो कि कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है. यहां पर हम स्टेयर केस फिनोमेना भी देख सकते हैं. अभी मैं फुली डिटेल में आपको स्टेयर केस फिनोमेना का आगे क्वेश्चन है डिस्कस करूंगा. सबलिमिनल स्टिमुलाय एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये 4 प्रॉपर्टीज को हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. अभी आप ये याद कर लीजिए कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्लूड करती है ऑल और नल लॉ, स्टेयरकेस फिनोमिना, समीशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलस एंड रिफ्रैक्टिव रेट.